मैं कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हूँ। बात यह है कि मुझे मतलब मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से मुंबई तक पहुंची टीवी अदाकारा अब चुनाव लड़ना चाहती है। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जारी कर चुकी हैं। सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन राजघाट रोड तिलीवाट सागर मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड के दमोह जिले के छोटे से गांव चंडी चौपड़ा से मुंबई में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा देने वाली चाहत पांडे जो टीवी कलाकार है वह दमोह जिले के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने बीते दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दर्शन पैदल यात्रा निकाली और शहर का भ्रमण किया। खबर है कि वो भारतीय जनशक्ति चेतना पार्टी जो भगवती मानव कल्याण संगठन की पार्टी है उससे चुनाव लड़ सकती हैं, वो भी जवेरा विधानसभा से। उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, कहा कि सभी दल मुझे अच्छे लगते हैं, वो समाज सेवा करना चाहती हैं, इस वजह से वो नेतागिरी में आना चाहती हैं। मैं कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हूँ? बात यह है कि मुझे मतलब मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो जहाँ भी जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलेगा तो मैं, क्योंकि किसी भी पार्टी में रहूँ सबका काम यही है कि हमें समाज सेवा करना है, हमें लोगों की मदद करनी है। कोई चाहे वो कोई भी पार्टी खराब नहीं है, सब पार्टी अच्छा काम करना चाहती है, सभी पार्टी चाहती है कि आगे बढ़े, सभी पार्टी मदद करना चाहती है, कोई बुरा नहीं चाहती। तो मैं बस समाज सेवा करना चाहती हूँ। अभी जिस पार्टी से भी मुझे मौका मिलेगा पॉलिटिक्स में जाने का तो मैं जरूर वो ज्वाइन करूंगी। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है एंड मैं वहां पे गई थी आश्रम, तो मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है गुरुजी से, जहां मैं गई थी जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं, मैंने लाल पट्टा डाला हुआ था तो मैं गई थी वहां पे, उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है एंड इसलिए मैं गई थी। प्रेस वार्ता में चाहत पांडे ने ऐलान किया, वैसे दमोह जिले में इन दोनों भाजपा की बुरी हालत है, कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, लेकिन इस जगह से भारतीय जनशक्ति चेतना पार्टी की मान्यता भी बढ़ रही है। ऐसे में कोई जाना पहचाना नाम अगर पार्टी में आता है तो फिर आने वाले चुनाव यानी विधानसभा चुनाव बेहद रोचक हो सकते हैं। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर।